हेलो गाइस, दिस इज़ वरुण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्यूरियस व्हील्स। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीप कंपास ट्रेलहॉक एडिशन, और ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले इस कार को फुल एक्सप्लोर ऑन रोड प्राइजेस के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल सकें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आप रहें मेरी तरह ऑटो वर्ल्ड से अपडेट। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो को और करते हैं कार को एक्सप्लोर। सो गाइज, आज मैं आया हूँ क्रिस्टल मोटर कार्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली रोड मेरठ में। दिल्ली रोड मेरठ में शोरूम है जीप कंपास का, और शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं शोरूम के अंदर और करते हैं कार को एक्सप्लोर। सो गाइज, ये देख रहे हैं आप जीप कंपास ट्रेलहॉक का फ्रंट लुक, और मेरे हाथ में कार की स्मार्ट की मिलती है। और अब हम बात करते हैं कार की कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की। सो गाइज, अब बात करते हैं कार की फर्स्ट फीचर की। तो आपको आता है कार में 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और आपको मिलता है कार में स्पोर्टी ब्लैक इंटीरियर रेड इंसर्ट्स के साथ। और अब बात करते हैं कार के एक्सटीरियर की। तो आपको न्यूली डिज़ाइंड फ्रंट बम्पर मिलता है, जो कि डेडिकेटली 4x4 के लिए डिज़ाइंड है। और अब बात करते हैं कार के नेक्स्ट फीचर की। तो आपको आता है कार में 9-speed ऑटोमेटिक, और ये देख रहे हैं आप कार का डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, जो कि अगेन फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। और अब बात करते हैं कार के नेक्स्ट फीचर की, जो कि है लेदर सीट्स। आपको लेदर सीट्स मिलती हैं रेड स्टिचेस के साथ। और आपको आता है कार में 8.4 इंचेस का टच स्क्रीन, काफ़ी एडवांस टच स्क्रीन मिलता है कार में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कार की सेफ्टी पैकेज की। तो आपको मिलता है कार में 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड और हिल स्टार्ट असिस्ट। और आपको मिलता है कार में ऑल फोर डिस्क ब्रेक, सेलेक्ट ट्रेन सिस्टम हर एक वेदर के लिए। सो ये सेफ्टी फीचर्स आते हैं कार में। और अब बात करते हैं कार के इंजन की। तो आपको आता है कार में 2 लीटर 1956 सीसी मल्टीजेट टर्बो डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 170 HP पावर और देता है आपको 350 Nm का टॉर्क। और आपको मिलता है कार में 9-speed ऑटोमेटिक। आपको कार BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कार की ऑन रोड प्राइजेस की। तो 4x4 विदाउट सनरूफ का ऑन रोड प्राइस है 31.70 लाख, और 4x4 ऑप्शनल विद सनरूफ का ऑन रोड प्राइस है 32.62 लाख। ये ऑन रोड प्राइजेस हैं ट्रेलहॉक के। चलिए अब शुरू करते हैं कार के रिव्यू को और बात करते हैं कार के फ्रंट से। तो आपको बाइजिनोन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, फॉग लैंप्स मिलते हैं कार में। और दोस्तों, कार का फ्रंट बम्पर न्यूली डिज़ाइन है, जो कि स्पेशली 4x4 के लिए डिज़ाइन है। और डुअल टोन बम्पर मिलता है आपको, और साथ ही में मैट ग्रे फिनिश मिलती है। और आपको क्रोम की जगह मैट ग्रे इंसर्ट मिलते हैं, और आपको मिलती है फ्रंट में ट्रेडिशनल जीप ग्रिल। और चलिए दोस्तों, बात करते हैं कार के बोनेट की। तो आपको ब्लैक टेप आउट मिलता है, मैट ब्लैक फिनिश मिलती है। अब बात करते हैं कार की साइड प्रोफाइल की, और सबसे पहले हम बात करेंगे कार की डायमेंशन से। तो कार की लेंथ मिलती है 4398 mm, कार की हाइट मिलती है 1657 mm, कार की विड्थ मिलती है 1818 mm, और कार का व्हील बेस मिलता है 2636 mm। व्हील बेस होता है फ्रंट टायर से रियर टायर की डिस्टेंस। और ये देख रहे हैं आप कार की साइड लुक। कार का ग्राउंड क्लियरेंस स्टैंडर्ड कंपास से इंक्रीज्ड है, और यहाँ पे आपको मिलती है ट्रेलहॉक की बैजिंग 4x4। और आपको कार में मिलती है स्क्वायर व्हील आर्चेस। और बात करते हैं कार के टायर साइज की। तो आपको मिलता है 255/60 R17 अलॉय व्हील्स के साथ। 4 disc ब्रेक मिलते हैं, और सिल्वर ब्लैक फिनिश में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और आपको यहाँ पे मिलती है मैट ग्रे फिनिश ORVMs पे, साथ ही में टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। और साइड में मिलती है आपको मैट ग्रे लाइनिंग, विंडो लाइनिंग मिलती है, साथ ही में डुअल टोन रूफ मिलती है ब्लैक एंड रेड में। और स्टैंडर्ड जीप कंपास में जहाँ पे भी क्रोम का यूज़ है, वहाँ पे ट्रेल होक में मैट ग्रे का फिनिश आता है, जो कि कार को काफ़ी स्पोर्टी फील देता है। और अब बात करते हैं कार के रियर प्रोफाइल की। तो जो कार की रियर प्रोफाइल है, वो भी टिपिकली ट्रेल होक डिज़ाइन में है। आपको काफ़ी सारे मैट ब्लैक फिनिशेस देखने को मिलेंगे कार के रियर में। और यहाँ पे मिलता है आपको स्मोक ब्लैक टेल लैम्प, LED टेल लैम्प्स मिलते हैं कार में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 4x4 की बैजिंग, और नीचे मिलता है आपको पार्किंग सेंसर और रियर फॉग लैम्प, साथ ही में डेडिकेटेड टोइंग हुक भी मिलता है, जो कि इस कार को टिपिकली 4x4 डिज़ाइन बनाता है। सो जो कार का डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मिलती है आपको जीप की ब्रांडिंग, जो कि अगेन एक मैट ब्लैक फिनिश में है। और आपको मिलते हैं कार में कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्नेक, लिजार्ड, ये सब एक ट्रेडिशनल मार्क है जीप का, जो कि एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज को बताता है। और आपको मिलता है कार में रियर वाइपर विद वॉशर,
साथ ही मिलता है रियर स्टॉप लैम्प। और अब चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ और करते हैं कार के इंटीरियर को एक्सप्लोर। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप कार का इंटीरियर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कार के इंटीरियर डोर से। तो आपको सिल्वर डोर हैंडल मिलता है और साथ ही में डोर आर्मरेस्ट, आपको लेदर फिनिश मिलता है और आपको रेड स्टिचेस देखने को मिलती हैं। और ये देख रहे हैं आप रेड इंसर्ट स्पीकर्स पे, साथ ही में बोतल स्टोरेज मिलती है। और अब बात करते हैं कार के सीट एडजस्टमेंट की। तो आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं ट्रेल हॉक में और यहाँ पर मिलती है आपको मेटालिक स्कफ प्लेट जीप एम्बोस के साथ। और अब बात करते हैं कार के सीट की। तो आपको स्पोर्टी ब्लैक लेदर सीट्स मिलती हैं रेड स्टिचेस के साथ, जो कि कार के कंफर्ट को, डिज़ाइनिंग को काफ़ी अपीलिंग बनाती है। और मुझे पर्सनली कार की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल लगी और कार काफ़ी स्पेशियस और स्पोर्टी भी है, तो ओवरऑल इंटीरियर का फील काफ़ी अच्छा है। और आपको मिलता है कार में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, साथ ही में यहाँ पे आपको मिलते हैं हेडलाइट के कंट्रोल्स। चलिए अब चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ और ये देख रहे हैं आप कार का इंटीरियर। कार का डैशबोर्ड की जो फील है वो काफ़ी सॉलिड है और सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है कार में। और अब बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है और ये देख रहे हैं आप कार का स्टेयरिंग व्हील, लेदर वाफ स्टेयरिंग व्हील मिलता है। अगेन आपको रेड स्टिचेस देखने को मिलती हैं, जो कि ट्रेडिशनल डिज़ाइन है ट्रेल होप का। और अब बात करते हैं कार के स्टेयरिंग व्हील की। तो आपको ऑडियो माउंटेड स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं और राइट साइड में मिलता है आपको डेडिकेटेड क्रूज कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलते हैं। स्टैंडर्ड जीप कंपास में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, सिर्फ ट्रेल हॉक में ही मिलता है। और आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलते हैं, बीच में मिलता है जीप का लोगो। और लेफ्ट साइड के टॉगल मिलते हैं आपको लाइट के टॉगल, लेफ्ट साइड और राइट साइड के मिलते हैं आपको वाइपर के टॉगल। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है कार में, जो आपको शो करता है आउटसाइड टेम्परेचर, और ये देख रहे हैं आप ट्रांसमिशन टेम्परेचर, यहाँ पे कूलेंट का टेम्परेचर, और ये आपका आता है सर्विस इंटरवल, कितने किलोमीटर्स और डेज लेफ्ट हैं अभी सर्विस के लिए। और साथ ही में आपको शो करता है एवरेज फ्यूल कंजप्शन, इंजन रनिंग टाइम, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ये टोटल समरी। और लेफ्ट साइड में मिलता है आपको इंजन टेम्परेचर, राइट साइड में मिलता है आपको फ्यूल गॉज, ये आप टोटल समरी देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो की डिस्प्ले आती है और यहाँ पे मैसेज, कोई भी वार्निंग या फिर मैसेजेस सब यहाँ पे शो होते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर आपको साइड में कॉर्नर पे मिलता है। और अब बात करते हैं इसके कुछ डायल्स की। तो यहाँ पे मिलती है आपको रियल टाइम स्पीड, लेफ्ट साइड में मिलता है आपको आरपीएम मीटर, राइट साइड में मिलता है आपको स्पीडोमीटर। सो ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम और इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है कार में। और अब बात करते हैं कार की टच स्क्रीन की। तो दोस्तों आपको मिलता है कार में 8.4 इंचेस का टच स्क्रीन, जो कि टच में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है। और ये सपोर्ट करता है यूएसबी, ऑक्स, ब्लूटूथ। और इस म्यूजिक सिस्टम में मिलता है आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे स्मार्ट फीचर। और यहाँ से आप रेडियो चैनल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस शो होती है। और यहाँ पर मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की डिस्प्ले, आप अपना क्लाइमेट यहीं से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलते हैं आपको ऐप्स, सारे ऐप्स यहाँ पे शो होते हैं। और आपको मिलता है कार में डेडिकेटेड कंपास नेविगेशन के साथ, और यहाँ पे ब्लूटूथ फोन कनेक्टिविटी, और यहाँ मिलती है आपको सारी सेटिंग्स, डिस्प्ले, टाइम, लाइट, इंजन, ऑडियो, आपको सिस्टम की सेटिंग्स यहीं से मिलती हैं। सो ओवरऑल काफ़ी एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है कार के अंदर। और अब बात करते हैं कार के सेंटर पैनल की। तो आपको आता है कार में डुअल जोन एसी, डेडिकेटेड डुअल जोन एसी मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे कंट्रोल्स एसी के, साथ ही में नीचे मिलता है आपको यूएसबी एंड ऑक्स पोर्ट, और साथ ही में मिलता है आपको 12V का पावर सॉकेट। और आपको आता है कार में ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटो, स्नो, सैंड, मड, रॉक, ये ऑल व्हील ड्राइव के मोड्स हैं। और आपको आता है कार में 9-स्पीड ऑटोमेटिक, और रेड इंसर्ट देख रहे हैं आप। आपको मिलता है कार में पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो होल्ड। और आपको मिलते हैं कार में 2 कप होल्डर्स, सेंटर में कप होल्डर्स मिलते हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज स्पेस के साथ, जो कि स्टोरेज में ज़्यादा मैसिव नहीं है, एवरेज स्टोरेज आती है, आप देख सकते हैं।
ज़्यादा डीप नहीं मिलता है और आपको रेड इंसर्ट देखने को मिलते हैं सेंटर आर्मरेस्ट पे। चलिए बात करते हैं कार की कुछ स्टोरेज स्पेसेस की। तो आपको यहाँ पे मिलता है ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स मिलता है आपको लाइट के साथ, फुल ग्लव बॉक्स आता है कार में। ग्लव बॉक्स का स्टोरेज काफ़ी मैसिव है और डीप ग्लव बॉक्स मिलता है कार के अंदर। ओवरऑल काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी एडवांस कैबिन है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील होगा और कार का टच एंड फील भी काफ़ी अच्छा है। और ये आप देख रहे हैं कार का आई आर वी एम का साइज थोड़ा छोटा है। और यहाँ पे मिलते हैं आपको कैबिन लाइट, हैलोजन कैबिन लैंप मिलते हैं। और अब बात करते हैं कार के सनशेड्स की। तो सनशेड पे मिलता है आपको वैनिटी मिरर, लेकिन लाइट का ऑप्शन नहीं है, सो आपको दोनों सनशेड पे वैनिटी मिरर्स मिलते हैं। ये देख रहे हैं वैनिटी मिरर। और अब बात करते हैं कार के फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर की, जो कि है कार का सनरूफ। आपको डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलता है कार में। और ये देख रहे हैं आप कार का सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि काफ़ी बिग है और कार को काफ़ी एयरी फील देता है। कार का फ्रंट कैबिन तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चलिए अब चलते हैं कार के रियर कैबिन में और देखते हैं क्या कुछ खास फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कार के रियर कैबिन में। तो दोस्तों कार के डोर्स की जो ओपनिंग है वो काफ़ी वाइड है, तो कार में इन एंड आउट काफ़ी इजी रहता है। और अब बात करते हैं कार के इंटीरियर कैबिन की। और दोस्तों कार के फ्रंट कैबिन की तरह कार के रियर कैबिन भी काफ़ी स्पेशियस है। आपको रियर पैसेंजर की सेफ्टी के लिए मिलती है सीट बेल्ट, आपको मिलता है कार में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और ये देख रहे हैं आप कार का इंटीरियर। और आपको मिलता है कार में सेंटर आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं कार के सेंटर आर्मरेस्ट में। और कार की जो सीट्स हैं वो काफ़ी वाइड हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रियर एसी वेंट्स और नीचे मिलता है आपको यूएसबी चार्जर। तो जो कार का इंटीरियर स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है और कार की सीट्स भी काफ़ी वाइड है और कंफर्टेबल हैं। सो गाइस ये था कार का ओवरऑल इंटीरियर। और अब चलते हैं कार के बूट स्पेस की तरफ और देखते हैं कितना लगेज रूम हमें मिलता है कार में। चलिए अब ओपन करते हैं इसका टेल गेट, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट मिलता है। तो टेल गेट ओपन करते ही कार की पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और ये देख रहे हैं आप कार का बूट स्पेस। और आपको मिलता है कार में 438 लीटर्स का बूट स्पेस। और यहाँ पे मिलते हैं आपको बुक्स। और ये देख रहे हैं आप बूट लैम्प, काफ़ी मैसिव स्टोरेज मिलती है बूट स्पेस के अंदर। और अब बात करते हैं कार के स्पेयर व्हील की। तो आपको स्टील स्पेयर व्हील मिलता है जो कि आपको अलॉय नहीं है। और आपको मिलती है कार में रियर पार्सल ट्रे। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है कार के अंदर और बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और आपको जो बूट लिड है वो भी पूरा पैक्ड मिलता है, प्लास्टिक कवरिंग मिलती है टेल गेट पे। और टेल गेट की ओपनिंग भी काफ़ी वाइड है तो आप सामान को इजीली रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों कार का रिव्यू। और जीप कंपास के बाकी वेरिएंट्स की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके कार के बाकी वेरिएंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट कौन सी कार का वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।